क्या बात है। और ये हमारे चाचा श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, जिनका सुंदर सा साउंड सर्विस आपने लगा सुन रहे हैं, इनके माध्यम से आप 51 पद्म गायन की ओर से हैं। और ये परम सम्मानी हमारी बड़ी बहन मालती जी, आपकी ओर से ये ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद आया है। और ये हमारी परम सम्मानीय बड़ी बहन कल्पना आजाद जी, आपकी ओर से भी ये ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद आया है। क्या बात है, आशीर्वाद की कामना करती हूं। और ले बेटे, नी रे गा रे गा मांग रे सा सा नी, पापा मा रे गा सा नी सा गा मा पा गा रे गा मांग प्रेमी किशन जी, आपकी ओर से 101 पद्म मुद्राओं का आशीर्वाद है, हृदय से नमन है। भैया थोड़ा सा बढ़ा दे चाचा इसको, ये फिल्म वालों ने कहा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं हमको ना बेटे। हमारी बात क्या है, क्या जिस समय सीता स्वयंवर में रावण ने भगवान श्री राम को देखा, उस समय कहने लगा कि आए राम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और देखिए रावण ने जिस समय राम को बुलाया और कहा क्या कि हे राम मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाएं पढ़ ली हैं, क्या बात है, और तुम्हारे हाथों ही मेरा तथा मेरे कुल का विनाश लिखा है, क्या बात है। तो कहा क्या, हे राम आज मैं तुम्हें स्वयं निमंत्रण देता हूँ। और कैसा निमंत्रण, कैसा कहा के आमंत्रण दे स्थापना की, उस समय रावण को बुलवाया कि बिना पत्नी के पूजा नहीं होगी। उस समय रावण को बुलवाया गया, सपत्नी यानी भगवान श्री राम जी पूजा उनको करनी थी सपत्नी। क्या बात है, रावण लेकर के आया सीता को, जिस समय उसको निमंत्रण मिला कि आना है, दादा की लाइनें हैं।
हाँ दादा की लाइनें हैं, सिया साथ लिए आना और सिया साथ लिए जाना। क्या बात है। ये हमारे परम सम्मानीय भैया आदित्य भैया आपकी ओर से 51 पद्म मुद्राएं हमें और दादा को और जितने भी लोग हैं सबको मिली हैं। धन्यवाद है भैया को। दादा भी यही गाया करते थे, सिया साथ लिए आना और सिया साथ लिए जाना। क्या बात है। अब एक बात और देखें, सिया साथ लिए आना और सिया साथ लिए जाना। क्या बात है। जिस समय अग्निदेव जी असली सीता को लेकर के नकली सीता देने लगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा क्या, अग्निदेव जी ने कहा कि राम परम सम्मानी हमारे भैया अनु शर्मा जी एंड पार्टी कानपुर आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं और हमारे परम सम्मानी भैया सनी आजाद जी 51 पद मुद्राएं आपकी ओर से हैं। धन्यवाद है। क्या बात है। सुनेगा कहा जो हमारे पास सिया है ये मैं आपको दे रहा हूँ, लेते आइएगा और अपनी सिया मुझसे ले लीजिएगा। क्या बात है। अग्निदेव जी ने कहा क्या, सिया साथ लिए आना, सिया साथ लिए आना। सीता जी धरती में समाने लगी, समा गई तो तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता धरती से निवेदन किया कि केवल एक क्षण के लिए मेरी जानकी के दर्शन मुझे करा दीजिए माँ। और देखे निवेदन किया, हे धारा निवेदन आज अटल, come on, 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 come
साथ लिए आना, और दर्शन के बाद ये सिया साथ लिए सच्चे दरबार की जय। अब बताएं आदरणीय यहाँ पर प्रमुख जन समुदाय विराजमान हैं, क्या दादा के गीतों का जवाब हम बच्चे दे सकते हैं? ना बेटा ना, हम बच्चों से हम बच्चे दादा के गीतों का जवाब नहीं दे सकते ना, हमें वो क्षमता है, लेकिन आशीर्वाद चाहेंगे दादा के आशीर्वाद से, केवल प्रयास करेंगे, केवल प्रयास करेंगे। आइए हमारे बड़े भैया, क्या बात है, एक विशेष सूचना के साथ ये भी कह गए कि इसको पढ़ना जरूर है। सम्मानीय कलाकारा, क्या बात है भैया, सम्मानीय कलाकारा श्री नीलम विश्वकर्मा जी, ताने ताने वाला गीत जरूर सुनाइएगा। भैया श्री गोविंद शर्मा फतेहपुर उत्तर प्रदेश, आपके माध्यम से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बिल्कुल कोशिश करेंगे भैया। और ये सम्मानीय बड़े भैया, सम्मानीय बड़े भैया, भैया श्री विष्णु और सुशील भैया ठाकुर जी, आपके माध्यम से प्रदान है, इनके अंतक मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भैया श्री कीर्ति अचल उन्नाव, और भैया ब्रांच अवधेश अचल एंड पार्टी, गुरु भैया गुरु शंकर रंगिया जी, आपके माध्यम से इंजान पद मुद्राएं भेंट है, आजीवन आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में हमारे भैया श्री मुन्ना यादव जी मनोरमा आगे चंद मनोरमा चंदेड़ी, आपके माध्यम से इंक्यान एक से पद मुद्राएं भेंट है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है जी। आइए और ये एक से पद मुद्राएं हमारे भैया भैया श्री अनु शर्मा अडिग एंड पार्टी, संचालक अडिग कानपुर, कानपुरी गायिका हैं, इसकी मुख्य गायिका हैं बहन जी अनु शर्मा, एडवोकेट जवाबी कीर्तन जागरण, आपके माध्यम से एक से पद मुद्राएं भेंट है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। जिन्होंने ये गीत, जिन्होंने इस कटपीस का जवाब लिखा है, उसमें सरगम को फिरोया है, उस सरगम कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ से सुन ली जाए तो यहाँ कैच हो जाए, तो सीखना पड़ता है, रटना पड़ता है, सुनिएगा। डगर Good।
करी है। नी रेगा 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 रे सारे दादा दादा श्री राजकमल प्रपेची आपके माध्यम से भेंट है। ये ले लो बेटा, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। इसी श्रृंखला में हमारे माननीय सम्मान्य बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी आपके कदमों से एक से एक पद मुद्राएं भेंट है। और इसी श्रृंखला में हमारे माननीय सम्मान्य बड़े भैया जो बुंदेलखंड से चलकर आए हैं हमारे भैया श्री चंद्रशेखर भैया जी तिवारी जी आपके माध्यम से एक से एक पत्र मुद्राएं और ये बहुमूल्य स्नेह भेंट है। आजीवन स्नेह की कामना करूंगी और विशेष आशीर्वाद क्योंकि यहाँ मेरा लगातार 3 बार आना हुआ और तमाम भाई के साथ साथ हमें भाभियां भी मिली हमारी भाभी श्री सोमवती यादव जी और हमारी भाभी क्रांति माला जी आपके कर्मों से एक से एक मुद्राएं भेंट हैं और आपने कहा इस हिम्मत के लिए आदरणीय भाभी जी आप उस हिम्मत को क्या कहिए जो इतनी भाभियों के बीच में आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती पद्मा शर्मा जी जो अच्छी फनकार हैं कीर्तन जगत की आपके माध्यम से माला और माल प्रदान है एक से पद मुद्राएं भेंट है आजीवन आशीर्वाद की कामना है। आदरणीय भाभी ने कहा है हिम्मत के लिए अपनी भाभियों के बीच में हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी और वास्तव में एक विशेष क्योंकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है किसान परिवार की तो एक कड़ी और जुड़ गई मेरे जीवन में क्योंकि एक भाभी तो थी ही क्रांति वाला जी एक भाभी का परिचय अभी उन्होंने और दिया है और ये हमारे भैया श्री बंधु अंचल एंड पार्टी आपके माध्यम से इनके पद मुद्राएं भेंट हैं बहुत बहुत धन्यवाद है आजीवन आशीर्वाद की कामना सुनिएगा। जब दीप चले आना जब सांझ ढले आना
माननीय भैया भैया श्री नारायण कुमार सोनी जी आपके माध्यम से एक से पद मुद्राएं भेंट है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। सुनिएगा गीत को। क्या बात है नारायण, क्या बात है, बहुत सुंदर सवाल सुना है। साथ लिए आना उसी साथ लिए जाना, ज्योति कमल जी सुनिएगा। एक बार भगवान श्री राम ने जब रावण की विजय के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, ये पूजन अकेले नहीं हो सकता, उसमें पत्नी भी साथ होनी चाहिए। रावण से कहा, क्या बात है हमारे गुरुवर, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब कहा कि आप मेरी पत्नी को लाइए क्योंकि ये पूजन अधूरा रहेगा, जब पत्नी को लेकर रावण आने लगा तब देखा कि मंदोदरी ने अरे सुना कहे मेरे स्वामी सीता को लौटाने लगे, तो उन्होंने एक बात रख दी। क्या बात रख दी? कहा स्वामी आप राम के काम के लिए सीता ले तो जा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आप मान ले तो आपका कल्याण होगा। कल्याण हो जाएगा तो कहना पड़ा। जब रावण को देखा तो कहना पड़ा, क्या हरि मैया जाते दसानन सियल दे दिया।
सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री राजेंद्र यादव जी, लेखपाल जी भैया, आपके कर कमलों से एक से एक पद मुद्राएं भेंट है। और वास्तव में यहाँ आकर मुझे इतना स्नेह मिला, इतना अपनत्व मिला कि इसका कोई मेरे पास शब्दों में बयान नहीं है। आदरणीय भाभी जी भी बैठी है, सारा परिवार बैठा है, तो कहना है सुनिएगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि गीत सुनिएगा। अब यस लगता है कुल लग रहा है। तो हे लखन, अब यस लगता है